दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम को सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं अब आईपीएल खत्म हो चुकी है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने अपने पहले ही साल में सभी टीमों को धूल चटाकर आईपीएल की खिताब पर अपना कब्जा जमाकर इतिहास रच दिया। लेकिन अब आईपीएल के खत्म होने पर सभी क्रिकेट प्रेमियों को भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले सीरीज का इंतजार है, जिसमें एक बार फिर से दो खतरनाक टीम आपस में भिड़ने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों अब हम आपको इस वीडियो में भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 बताएंगे, जो रोहित शर्मा की गैर हाजिरी में अफ्रीका के खिलाफ होने वाले सीरीज के लिए नए कप्तान लोकेश राहुल ने पहले T20 मुकाबले के लिए घोषित कर दी है। तो किन खिलाड़ियों को पहले T20 में मौका मिला, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वही अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया से अपनी हार का बदला ले तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 9 जून से भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका T20 सीरीज की शुरुआत हो रही है। आईपीएल कप खत्म हो चुका है, जो कुछ समय तक एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे, अब वो एक साथ भारत को जिताने के लिए मैदान पर होंगे। और अब ऐसे में लोकेश राहुल को टीम इंडिया का नया कप्तान बनाया गया है। दोस्तों भले ही लोकेश राहुल अपनी टीम को आईपीएल का खिताब जिता नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपनी शानदार कप्तानी से अपनी टीम को प्लेऑफ में पहुंचाकर यह जरूर साबित कर दिया है कि उनमें कप्तान बनने की काबिलियत कूट कूट कर भरी है। वही दोस्तों आपको बता दें अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए रोहित शर्मा विराट कोहली जैसे दिग्गज क्रिकेटर को इस सीजन में आराम दिया गया है। ऐसे में लोकेश राहुल टीम की कप्तानी संभालेंगे, तो वही उपकप्तान की जिम्मेदारी विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों में होगी। ऐसे में अब लोकेश राहुल ने आईपीएल खत्म होते ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले पहले T20 मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 घोषणा कर दी है, जिसमें उन्होंने अफ्रीकी टीम के परखच्चे उड़ाने के लिए ओपनिंग में खुद के साथ साथ ईशान किशन को ओपनिंग करने का मौका दिया है। दोस्तों भले ही मुंबई इंडियंस की टीम इस साल आईपीएल में बेहद ही खराब प्रदर्शन करी हो, लेकिन ईशान किशन ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी का दिल जीता है, इसलिए अफ्रीका के खिलाफ ईशान किशन राहुल के साथ ओपनिंग करते नजर आएंगे। वहीं तीसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे, जबकि चौथे नंबर पर दीपक हुड्डा बल्लेबाजी करने आएंगे, जिन्होंने इस साल आईपीएल में लखनऊ की तरफ से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। ऐसे में उनका चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करना टीम के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित होगा, जबकि पांचवें नंबर पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करेंगे। वही छठवें और सातवें नंबर पर दो खतरनाक और विस्फोटक खिलाड़ी की टीम इंडिया में अब वापसी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक की। हार्दिक ने जहाँ अपनी कप्तानी से अपनी टीम को चैंपियन बनाया है, तो वही कार्तिक ने भी बेंगलुरु की तरफ से विस्फोटक पारी खेलकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ऐसे में अब इन दोनों के आ जाने से टीम की बल्लेबाजी बेहद ही मजबूत हो गई है। वही स्पिन गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल गेंदबाजी करते नजर आएंगे, जिन्होंने इस साल आईपीएल में पर्पल कैप अपने नाम किया है। तो तेज गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल और रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक को पहले T20 के लिए मौका दिया गया है। अब ऐसे में यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि उमरान मलिक अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में किस तरह प्रदर्शन करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या राहुल द्वारा घोषित की यह प्लेइंग 11 अफ्रीकी टीम को हरा पाएगी? कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।